तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत विधि विधान को नहीं मानते और मैं भी तुम जैसा ही हूँ। तुम मुझे जितने दिल से मुझे याद करते हो ना अपने मन में, ये मेरी सबसे बड़ी पूजा है जो तुम कर रहे हो, और तुम्हें इसका करोड़ गुना आशीर्वाद दूंगा। ये दुनिया भी दंग रह जाएगी जब काया पलट होगा। तमाम सुख सुविधाओं के साथ तुम पर साईं आशीर्वाद रहेगा। और सुनो, अपने मन को मेरे चरणों में खोल कर रख दिया करो। जो भी मन में आए मुझसे कहो। अगर मन में लालच है ना, फिर चाहे वो रुपयों का लालच हो या फिर किसी भी चीज का लालच हो, वो भी मुझसे कहो। मन में कोई भी विचार आना गलत नहीं होता है, क्योंकि वो मन है, वो चंचल है। तो इसलिए अपने आप को दोषी मत समझो। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी है मुझसे कहो। हाँ, उस सपने को पूरा करने का तरीका सही होना चाहिए, और वो तरीका तुम्हें मैं बताऊंगा। जहां से तुम्हारा लालच जो है, तुम्हारे मन में उथल पुथल जो है ना, वो भी संतुष्ट और शांत हो जाए, और सही तरीके से, सही कर्म से, समझे? और तुम मेरे बच्चे हो, छोटे से मासूम फूल से बच्चे हो, तो तुम्हें ना ईश्वर जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना दिल साफ रखो, नेक रखो, लेकिन अपने लिए अपने बारे में सोचो। सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता दो। अगर तुम खुश रहोगे ना, तभी तुम बाकी बच्चों को भी खुशियां दे पाओगे। और फिर अभी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त भेज रहा हूँ, एक ऐसा सखा भेज रहा हूँ ना, जिससे तुम सुख दुख बांट पाओगे, तुम्हें खुशी होगी, शांति मिलेगी और जिंदगी जीने का एक नया कारण भी मिलेगा। यकीन रखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा प्यार, बहुत सी मधुरता भर रहा हूँ। जो कल तुमने बहुत से लोगों को माफ कर दिया ना, बस अब अपने मन में किसी के लिए कोई बात मत रखना। आजाद कर दो उन रिश्तों को, आजाद कर दो उन लोगों को अपने मन से। जिस दिन तुम अपने मन से उन लोगों को आजाद कर दोगे ना जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तो उस दिन से तुम्हारे मन में शांति के लिए और जगह बच जाएगी, साईं कृपा के लिए और जगह बन जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे रहते कोई तुम्हारा बुरा कर सकता है? क्यों? जब मैं यहाँ हूँ तो कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता, और फिर तुम डर जाते हो। जब तुम मेरे बच्चे हो, सबसे प्यारे हो, और तुम डरोगे तो बाकियों का क्या होगा? तुम यूं डरा मत करो। चाहे अंधेरी रात में भी तुम बीच सड़क पर चल रहे होगे ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, याद रखना, क्योंकि तुम्हारे साईं तुम्हारे साथ है। और तुम मांगते भी हो तो क्या, छोटी मोटी चीजें, जाओ, दिया तुम्हें आशीर्वाद, एक सुख भरी खुशियों भरी जिंदगी का जी लो। बस अपने कर्मों में मुझे याद रखना, और उसके अलावा इस जिंदगी को जीने के लिए भेजा है तो जियो, खुलकर जियो। जो तुम्हारे पास है उसका पूरा पूरा आनंद उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहता हूँ। पूरे विश्वास से जियो, डरो मत किसी से भी, क्योंकि सारे दिन एक से नहीं होते। ये वाला पल भी बीत जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़े होगे। अपने आप के लिए तो समर्थवान रहोगे ही, साथ में बहुत से लोगों के लिए भी रहोगे। तुम देखो मेरा करिश्मा कैसा होगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। और फिर अभी तुम्हें बहुत सी जगहों पर जाना है, उसकी तैयारी करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। खुश रहो।